आ चुके हैं मैं। हाँ जी जी, क्या लेना है? डेरी मिल्क। डेरी मिल्क का डब्बा। डेरी मिल्क का डब्बा। सुबह का था, स्कूल छोड़ने जा रहे थे। कितने का? 800 का। वो नहीं है, नहीं, चुप कर जाओ। ये क्या लेके आए जनाब? आलू थे? आलू मेरे ख्याल से तो नहीं थे। आलू भी ले आए, गाजर भी ले आए, मेथी भी ले आए। क्या मोहल्ले की दावत करनी है? गाजर लेनी है। मैंने कहा मोहल्ले की दावत करनी है सर जी। सर जी मोहल्ले की दावत करनी है सर। एक हफ्ता तो खाएंगे। अच्छा चल कोई नहीं, निश्चित हुआ है। चल बैठते हैं, फिर पानी पिलाते हैं आपको। पानी ना पिलाओ बस, मुझे मेरा बैग दो और मेरी गाड़ी आ रही है। जनाब 2 बजे हैं। मैं अब कोई मसला नहीं, मैंने तो कुछ पेपर साइन करवा के लाजमी व्हाट्सएप कर। अच्छा अच्छा, अब वर्किंग पे जाना कहाँ? मुजफ्फरगढ़ जाना है। ठीक है, वो वैसे 11-12 बजे आता है। चलो ठीक है, टेंशन नहीं है। वो तो शाम को 4 बजे तक भी होता है, 5 बजे तक भी होता है। चल सही हो गया, फिर अजान का टाइम भी है। ठीक है, इसके और मोहम्मद के कह रही, जहर मोहम्मद के काम चेक करें। देखते ही अपने पापा को देखते ही उसने हाथ बाहर निकाले, भी मुझे ले लो, मुझे ले लो। तो जनाब ले ले, 5 मिनट तो ले ले। लड्डू मैं सालन भी मैंने कदम किया हुआ है, मजीद उसे कदम कर लेते। अब रोटी खाए, रोटी मैंने बना ली। ठीक है, ये देख ले, ये कह रहे मुझे ले लो। और उस सर में बकरी ने बोलना शुरू कर दी है। हाँ जी, उसने भी मुझे दे, मेरे लिए तो सारे ही है ये। हाँ जी, बकरी भी, कैक्सा भी, और मोहम्मद भी, ये भी मेरे लिए तो सारे ही है। भाई चटनी बना लूँ मैं फिर जल्दी से? बना लो। ठीक है, फेमस जी जी, सब्जी लाने में आपने देर कर दी। इंतखाबी निशान फेमस, बड़ी देर कर दी मेहरबान। यार मैं जब वहाँ से फ्री होता तभी निकलता ना। ये तो अभी शुक्र करो हमारे पास रेफरेंस है, तो काम कुछ जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा वो जो पर... हम तभी ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन अब एक बाद में। अभी जो पर्ची है ना आपकी, वो भाई यूसुफ के पास ही दे के आया हूँ। मैंने कहा यही रखो, जब जाना होगा यहीं से लेके जाएगी। वहाँ तो रुल जाती है कोई भी चीज जाए ना, पता नहीं लगता। ठीक है ना, मैं उनके पास संभलवा के रखवा के। ठीक है, और ये माशाल्लाह से आ गए हैं साहब। जेल ही लेके आए हो? ये जेल लेके आए? खेलने वाली है, किसी ने भी जेल ही लिए? अच्छा जेल ही लिए, बहुत अच्छा। और कामरान भी, भालू की भी ले लो, बाजी का भी ले लो फिर दोबारा से। ये बाजी लेके खड़ी है मेरे भालू को, मेरे लड्डू को। लड्डू लड्डू ए, शरार तो उसे तो बाज ही नहीं आना ना इस लड़के ने। ले ले, कितने बच्चे मेरे पास जमा है। अलहमद मोहम्मद, कैशा, कामी, उस्मान। उस्मान सुबह हुसैन भी आया हुआ था। और आज तो खाला आई है किस्मत से हमारे घर ठंड के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत इज्जत दी, अल्लाह ने बहुत इज्जत दी, अल्लाह का करम है, बहुत इज्जत दी है। हम एक दफा जी करते हैं, लोग 10 दफा जी करते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी खाना का ऑपरेशन हुआ था, अल्लाह ने जिंदगी दे, बहन को भी जिंदगी दे जिन्होंने इनको ऑपरेशन करवाया था। तो आज भी खाला बड़ी मजबूत है, इन्ना भी बड़ी मजबूत होकर आई है। तो मैंने कहा खाला मेरा खुद का ऑपरेशन है, मैं इस टाइम बहुत मजबूत बैठी हुई। तो अगर हो सकता है मेरे बहन भाइयों से कोई हेल्प कर दे खाला की। किस चीज का मसला है खाला? बेटी को दमे की बीमारी, बहुत ज्यादा अस्थमा। तो खाला कह रही है कि नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बच्चे का इलाज करूं। जवान बच्ची है वही जिसको वो अल्लाह माफ करे, नाम भी नहीं लेना चाहिए, इसके शौक में छोड़ दिया दोस्तों। सर जी वो अपने मोहल्ले में नहीं थे, वो खाला थी पतली सी स्मार्ट सी, जो अक्सर आपसे दूध भी लेके जाया करती, मुझसे गद्दी आया करती मेरे पास। उनकी बेटी की भी डेथ हो गई।
قالوا ان لله وانا الیہ راجعون. جو بیمار تھے جن کو اٹھا کر ڈاکٹر مہوش کے پاس لے کے آتے تھے. جی 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 جی. تو ان کے ساس نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا نا بچی. اچھا. تو کہہ دیا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ وہ علاج کروائیں گے. آنکھ میں مرچ لگ جائے گی, آنکھ میں مرچ لگ جائے گی, کھڑے ہو جاؤ یہاں سے. تو ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون. تو مجھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. تو میں نے کہا یہ کھانا وغیرہ دو آپ کو بنا کر. تو اس کے بعد میں اچھا گھر بیٹھتی ہے تو میں بھاگ کر بھاگ کر آنا. میں تو چلا جاؤں. آپ چلے جائیں گے نا, میں باجی نسیم کے پاس بچے چھوڑ جاؤں. ہاں ٹھیک ہے, اولمپک میں داخلہ ضرور لینا اس دفعہ. کیوں بھاگ کر جاؤ گی نا؟ تو کیا کروں, تو منہ سے نہیں کر سکتا جی. کیونکہ افسوس تو کرنا جانا چاہیے بھائی, ایک محلے میں رہے ہیں. محلہ تو پھر بھی ایک, لیکن ایک گلی کا فاصلہ ہے. اور محمد اب سکون کر جاؤ, یہ میں آپ کو دے دوں, یہ کر لو. آپ کو میں لگے گا نا نیچے پہ پتا چل جائے گا میرے کو کرنا ہے, میرے کو کرنا ہے, میرے کو کرنا ہے. نہیں لگی ہم کو پھر, بس نہیں لگی میری ہم کو. کوئی کس کا بیٹے ہو؟ اچھا پھر یہ کاکا کی کا بیٹا ہے؟ کاکا پاپا کا بیٹا ہے. اور کیکشا, کیکشا اچھا کیکشا کس کا بیٹا ہے؟ دونوں کی بیٹی ہے. اچھا تو عمیر ماموں کی کال آئی تھی, عمیر ماموں کیا کہہ رہے تھے کہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے اور محمد کہہ رہا آپ کی بیٹی مجھے مارتی ہے. مامو سے کیا کہو گے؟ مامو کسے مانیں گے؟ مامو سوچے تھے بیٹھے ہوئے سال, شادی ہے. جب مامو آئیں گے پھر ہمارے اگلے سال اچھے اچھے بلاگ بنیں گے, کیونکہ میرے بھائی کی شادی ہے چھوٹے, وہ سوتے تھے بولتے. تو کہہ رہے تھے باجی کہتے تو میں تو سال پہلے کتنا نہیں ایڈوانس بتا رہا ہوں. سال پہلے کہاں یار, ایک مہینے بعد نیا سال آتا ہے. ایک مہینے کے بعد نہیں, اچھا اگلے سال دسمبر میں. اچھا دسمبر میں کافی شادیاں آ چکی ہیں نا, سوتے پہ آ چکی ہے تو چھٹی نہیں ملی. اچھا اچھا صحیح, نہیں تو ابھی کھڑکا دینی تھی. نہیں تو ابھی شادی ہو جاتی ہے. نہیں یار سخت سردیوں کی شادی ہمیں نہیں بارے آتی. یہ تو ہے بچے بیمار بڑے بیمار ہمیں نہیں بارے آتی. ہم تو جنوری والی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو جنوری میں آ رہی ہے, اس کا کیا کرنا ہے؟ اب ایک بات بتاؤ, میں نے چٹنی پی سے مگر نمک ڈالنا بھول. کوئی بات نہیں, چلو ویسے بھی تڑکا لگانا ہے. ٹھیک ہے لگاؤ لگاؤ جلدی کرو فٹافٹ. یہ دیکھیں میرا بالو آج کیسا لگ رہا ہے, آج نے اپنی دانتوں والا سور کرنا ہے. ہاں جی ہاں جی میں ماتوں نے چلے ٹھیک ہے آپ کریں کام اپنا. تو جی یہ دھواں دھواں سا رہنے دو, اور اس میں پانی کی ملاوٹ ساتھ چٹنی میں ساتھ, اور جو ہے ملاوٹی خاتون کی ملاوٹ, اور یہ ہو گئی ملاوٹ. یہ چٹنی اس میں لگی رہنے دیتی ہے؟ نہیں نہیں کیا کرتی ہے؟ ہاں بہت زیادہ سر گھوم رہا ہے. نمک ڈالنا پھر بھول. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے. چلیں اور جی ہماری ہو رہی ہے فیمس چٹنی تیار. اور سالن کیا ہے سر؟ شلجم اور مٹر کا پنیر کا سالن رکھا ہوا ہے. چلو کھاتے ہیں تھوڑے سے کر کے دے بننے میں. اچھا وہ ایک فرائی پان میں کچھ سالن بھی رکھا تھا وہ پھینک دیا تھا, وہ بھی گرم کر دیں. ماشاء اللہ یہ چٹنی, یہ بھی فریج میں رکھی تھی میں. اچھا اور یہ تھوڑا سا ساگ, یہ اس میں نہ ڈال دینا مہربانی کرنا. بس تمہارا دماغ سینٹر میں نہیں ہے نا, اپنی جگہ پہ نہیں ہے وہ. جب ڈاکٹر نے دو آپریشن کا بتا دیا کہ دو آپریشن ہوں گے, ایک اب ہوگا, اس لیے تو کہہ رہا ہوں میں نے کہا ساگ نہ ڈال دینا مہربانی کرنا. 7 دن تک اور ایک بعد میں ہوگا ظاہر ہے, پھر دماغ تو آؤٹ ہو ہی جاتا ہے. چلے کوئی نہیں, اللہ بارے سے کچھ نہیں ہوتا, کہ جو بیماری نصیب میں لکھی ہے نا وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے چلیں آپ یہ کریں گرم. جی جی. اور اس کے بعد اس کو کرتے ہیں یکدم. ٹھیک ہے اوکے اوکے.
ये प्यारे बहन भाइयों देखे, साग जो है इस वक्त जल रहा है और मेरी मैडम को नजर नहीं आ रहा और उसमें कोई चम्मच वगैरह नहीं मारी। सर में कसूर नहीं है ना इनका, जब से इन्होंने दो ऑपरेशन की सुनी है तब से ज़रा थोड़ी सी बुखलाई सी है, और क्योंकि अपेंडिक्स का ऑपरेट जो ख़राब हुआ है उसकी वजह से ज़रा ज़्यादा टेंशन हुई पड़ी है, क्योंकि बस वो ऑपरेट दोबारा होगा और उसके बाद जो फरवरी को उन्होंने टाइम दिया, मार्च 21 मार्च को उन्होंने ऑपरेट का टाइम दिया। दूसरा ऑपरेट जो हरियों का ऑपरेट है वो उसमें ये होगा, ये जो ऑपरेट है इसमें जो ऊपर का गोश्त गल गया है जहाँ से पस निकल रही है वो खुरच के निकालना है, ये उसका है, ठीक है। उसके बाद होगा हरनी होगा। मटलूशा कैसे इसे बिस्तर में लिटा देना, बिस्तर ज्यादा कदम तो उसमें तंग होता था, मैंने फिर इसको बाहर निकाल दिया। तो कदम गया मुजफ्फरगढ़ और निश्ता से आते हुए ना काफी टाइम हो गया था। जी जी भी उनकी भी वीडियो बना दो, दिखा दे अंकल आंटी से तो वो क्या कर रहे हैं। जी जी कहा हुआ है मेरे दादू को, तो फिर उनकी रात को वापसी होगी, कहने लगी भी नजदीक कटोर तो है तो मैं क्यों छुट्टी करूँ आज की, बेशक देर हो गई लेकिन मैं जाऊँगा लाजमी। फिर मैंने चादर जो उनसे ना चेयर पे बैठी थी मैंने अपनी टांगों पर डाल ली और यहाँ पे बैठ गई फिर मैं, तो धूप भी जा चुकी है, खाना खाना वगैरह सब कुछ खाना वाना सब खा लिया है। दोपहर कब शाम की तैयारी करूंगी, पहले इसे सुलाऊंगी, इसका पैंपर चेंज करती हूँ। वैसे मैंने 11 बजे इसका पैंपर चेंज किया 12 बजे, लेकिन अब जल्दी पैंपर चेंज करती हूँ इसका फिर से। जी जी मुझे बुला रहे, जी बोलो बोलो, कह रहे मुझे लो, कैशा से कह रहे मुझे ले लो, ये भी निकाल दो, आप ही पास जाना है, ये निकाल दिया क्योंकि इसने जाना है कैशा के पास, कैशा खड़ी है और जी जी कैशा मुझे ले ले ऐसे पहले कक्षा के साथ थके, फिर ऑन मोहम्मद के साथ थके, अब इसके साथ थकना पड़ रहा है। वो भाई बच्चे ऐसे नहीं पलते, हमारे माँ बाप ने भी हमें ऐसे ही पाला है। अजान का भी खड़ी और मोहम्मद इधर खड़े हैं और अब हम जाने लगे हैं घर। हाँ जी कम जी अम्मा जी, मेरे माँ में तीनों हो गए जा रहे बाहर गए, माशाल्लाह मुबारक दिए। हाँ जी घर जा रहे हैं, हम आए हुए थे अहमद के घर, ठीक है। बड़े परेशान अम्मा बता रही हैं कि दो जुड़वा बच्चे हुए हैं, कह रहे अम्मा मामे दीदी दे, नौ दे। मामे की जो बेटी है उनके उनकी बहू के प्यारे चलो। हाँ जी चलो 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 चलो, तो हम आए हुए थे अहमद के घर और ये माशाल्लाह उनका घर है और अब हम लगे घर जाने और हम आए थे तो बाजी कुछ शायद की तरफ, तो अब बाजी कुछ शायद का ही नाम आएगा, मैं कहा बाजी कुछ शायद जो फौत थी गई वो पास जाएगा दया मसा, जल्दी ना चलो तवा जलाते हैं, क्या कहते हैं इसे ना लाइटें जलाते हैं। तो घर पहुंचे हम अभी और बाहर कुत्ता रोने की आवाज आ रही है और फ्रिज का मेरे ख्याल है बटन भी बंद कर गए हुए थे, पता नहीं किसने निकाल दिया था स्विच। जी जी ओनू जी मेरा बच्चा आओ क्या, अच्छा आ जाओ अंदर आ जाओ, दरवाजा यहाँ का बंद था तो ओनू पीछे डो चलो चलो। तो मेथी मैंने धोली हुई है, आलू भी मैंने धोली हुए काट कर, तो इधर मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा, दिन में गैस चला गया था सही तरीके से ना गर्म नहीं हुआ था दूध, मैंने कब ना खराब ना हो जाए कहीं, तो काम ही ले आओ डब्बा ले आओ, पानी ना लेके आना उसमें, नहीं पानी नहीं चाहिए, मेथी भी इतनी सारी उठा के ले आए, अब वो आधी मेथी पका रही हूँ मैं, मैंने कहा आधी मेथी बना लेती हूँ, दो गाजर डाल लूँ गाजर ही, मैं किलो किलो सारी चीजें ले आए, क्या कहें अब चले कुछ नहीं होता, मैं साथ होती हूँ ना फिर मैं देख के चीज लेती हूँ। जी अनु कामी के साथ अब ये खेल रहा है और छोटा सो गया कि जाग रहा है, जाग रहा है, जाग रहा है, खेल रहा है वो, हाँ जी शुक्र है रो नहीं रहा है, मेरी गोद में खेल रहा था, कह रहा है कि मुझे गोद में लेकर बस बैठे रहो, बैठे रहो बस और कुछ भी नहीं। तो आलू मटर गाजर लगे हैं, आलू मटर गाजर मेथी लगी है बनने और लगी हुई है, आहिस्ता आहिस्ता क्या करूँ घर के काम काज है,
मैंने भाइयों को पता, डॉक्टर ने तो वजनी काम जिनसे ना मना किया हुआ, और घर के काम भी उन्होंने कहा बेल्ट लगा कर करे, लेकिन बेल्ट अभी ले नहीं सके। मुझे खुद उनकी सैलरी का इंतजार है कि जैसे वो सैलरी उनकी आएगी तो मैं फिर फौरन पहले ना अपना बेल्ट ढूंढ ली बेल्ट बांधने के लिए। और फिर ऑपरेशन तो आप सबको पता ही है कि उन्होंने एक हफ्ते का टाइम दिया कि एक हफ्ते के अंदर ये ऑपरेशन करवा रहे, मेडिसिन उन्होंने लिख के दी है, अभी मैंने मेडिसिन भी नहीं ली। बाकी अल्लाह बेहतर करे, जो भी होगा बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। और ये क्या कर रहे हो? ये यहाँ से सारी सफाई मैंने की थी, आप सबसे मैंने को पता है गंदा हाल हो ही, क्या करे। जहाँ बच्चे होते हैं, मैं पहले भी कहती हूँ, वापस आएगा कचरा वगैरह होते ही। मैंने यहाँ पर दिया सुला, बिल्ली की टांग टूटी हुई थी। अच्छा चलो आप इधर बैठो। हाँ जी खेल रहे बैठ कर। चलो ठीक है, छोटे को मैंने दिया सुला, फिर सही है। अच्छा अच्छा बिल्ली की टांग टूटी हुई थी मेरे शहजादे। यहाँ की एक यहाँ की कमी भी है यहाँ पर, किसी गाड़ी वगैरह के नीचे आई होंगी ना, या किसी मोटरसाइकिल के ऐसे मोटरसाइकिल। अच्छा 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 ठीक है फिर, कमी अभी बैठो। क्या अक्षय मैं इसे लिटा दी, शोर नहीं मचाना, ओनू काका उठ जाएगा, आपने शोर नहीं करना। ठीक है मैं सालन पालू, ठीक हो गया? आप तीनों को सालन दे दूं? ठीक हो गया, मैं तीनों को सालन भी दे दूंगी, रोटी भी दे दूंगी। हाँ कमी ठीक हो गया। ऐसी बातें नहीं किया करते अल्लाह से। दुआ मांगो किसकी टांग सही कर दे। अल्लाह से मैं दुआ मांगती हूँ, अल्लाह बिल्ली की टांग जल्दी से ठीक कर दो। और मामा जब से देख कर आया ना बिल्ली की टांग, मैंने भेजा था कामी को जिस चीज की दिलवा रहा हूँ, दरवाजे में मैं खड़ी हो गई। जी जी ये बिल्ली को मार देना क्योंकि अच्छा नहीं मजी, मैं उसको ना उसके ऊपर पत्थर पड़ा था, फिर मैंने उठा के रख दिया साइड पे। मेरा बेटा ना ये बहुत रहम दिल है, बहुत रहम दिल है। सालन में इसलिए देर हुई है कि छोटे के तन की औरत उसे लेकर बैठी थी, और मोहम्मद नहीं जी। तो ये मैंने ना धोकर पहले से यहाँ पे रखा हुआ सामान ना सारा। चलो आज अच्छा अच्छा पानी मम्मा जी ने गरम किया था लेकिन वो हो गया ठंडा जी। मैंने ना पानी उबाल लिया हुआ था, मैंने कहा इसको अच्छे से ना गर्म कर दूं, वो हल्का सा ना इसको नीम गर्म रहने दूंगी, लेकिन वो ज्यादा ही ठंडा हो गया हुआ है। तो अब जनसन इसको कर दिया, चक्कर भी मुझे काफी ज्यादा आ रहे हैं तबीयत खराब होने की वजह से, तो इसको लगा दिया मैंने थोड़ा सा सेक, और नीम गर्म हो गया हुआ है। फिर ये कि सुबह तक ये पानी ना आराम से मतलब चल जाता है, और ना तो ठंड भी जनसन ना काफी ज्यादा हो गई है। और करते हैं जी अपना खाने पकाने का अमल शुरू। कैसा आप इधर हो जाओ थोड़ा सा काम है, आप भी बेटे इधर हो जाओ, मुझे बाल बांधने भी जाना पड़ेगा, और मैं भी पानी मार लूं। और ये चम्मच है, ये टब जो है ना मैंने लिया हुआ साग वगैरह धोने के लिए, सब्जियां धोने के लिए, तो बाहर का टब अलग है, यहाँ पे टब क्या कह रही है? पता नहीं क्या कह रहे।
बिल्ली के पर भी थे, बिल्ली के पद भी थे, इसका मतलब है इसकी बिल्ली के कान कह रहे हैं बिल्ली। अच्छा, बिल्ली के पद थे वो, बिल्ली के पद नहीं थे वो, बिल्ली के कान थे। इन्हें पापा से मेरी बात हुई है, वो अभी पहुंचे नहीं है मुल्तान, कह रहे मैं मुजफ्फरगढ़ से अभी अभी चला हूँ और मुझे देर हो जाएगी। मैंने कहा चल ठीक है। जी जी दूध जाओ, अपना फीडर लेके आओ, अपना फीडर लेके आओ, अभी तो मैंने फीडर दिया था आपको बनाकर। चल शुक्र है, घी भी अब रात के अनुसार पूरा हो जाएगा। मेरा बेटा मैं इसमें घी डाल रही हूँ जी, मैंने घी डाल लिया इसमें, और आप आइए ना टमाटर लेने के लिए। हमने एक इधर का बल्ब उतार के कमरे में लगा दिया। हाँ जी, यहाँ के एक बल्ब उतारा है और लगा दिया, और अब ये दो बल्ब है। ये तो है, चल कोई बात नहीं, ये भी दो दो साथ में। फिर उसके बाद जैसे ना सारे बर्तन धुल जाएंगे घर के, मुझे तो रखे हुए, ये तो नहीं है कम है, हाथ के हाथ धोते रहते हैं ना फिर वो कम होते हैं, अगर हाथ के हाथ ना धोए ना फिर वो ज्यादा ही इनमें ना ढेर लग जाता है। और यहाँ पर दूध रखा हुआ था गर्म था कि इसमें भी ना वो कर लो छापी ढक देते, और इसके इधर रख देती है जी मेरा बेटा। अच्छा आप लेटो, फीडर देती, फीडर लेके अंदर से जल्दी से काम, इसका फीडर लाना खा कर, इसका फीडर को बना कर ठीक है। सात दिन ये सोया नहीं है, इस टाइम फिर ये सो जाता है। ये मेरी घर की चाबी है ताले की। हाँ ये घर के ताले की चाबी है, इसे ना लटका दो, जब तक नहीं आते ना डर ही लगा रहता है मुझे ना। कल से मेरी पॉकेट में थी चाबी, जब से हॉस्पिटल से आए थे। हाँ जी। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि चोरियां डकैतियां तो आम ही है, और फीडर कहाँ रखा है? ये काके वाली चुपाई के ऊपर पड़ा है। गाजर मटर सब्ज मिर्चे और इसमें मेथी आलू, और इधर मसाला मदा बनता है, और इधर काम ही जो है ना वो क्या कहते हैं इसे हाथ अपने सेकता है, और कैक्शन ने दिया उन मोहम्मद का फीडर बनाकर। चलो कंबल भी दे दो इसे, ठीक है ना जी? ठीक है कंबल दे दो इसे, मैं इतना मसाला भून रही हूँ। पाँच मिनट के बाद मैंने ना ये भी ऐड कर दिया इसमें मेथी की, यदि बन जाए फिर यहाँ की सफाई कर लेती हूँ, फिर बर्तन धो लेती हूँ, बल्कि दो तीन रोटी का आटा रखा हुआ है, भाई आ गए थे दूध दे के गए मुझे, मैंने कहने लगे ना बनाओ रोटी, आटा ना गूंदना, मैं बाजार से ले आऊँगा रोटी। मैंने कहा भाई देख लिया अगर आप खाएंगे तो लें, कहने लगे नहीं नहीं, कहने लगे खा लेंगे, एक मजबूरी है ना तुम्हारी। मैंने कहा हाँ मेरी तो मजबूरी है, कहने के बस हम खा लेंगे टेंशन ना लो। तो फिर दो तीन रोटी का आटा रखा हुआ है वो कहीं ख़राब ना हो जाए, मेरा दिल है कि उसे तो ना पका ही लूँ, सही है ना। और मोहम्मद और इधर काका सो रहे हैं दोनों, और मम्मा जी से पूछते हैं मम्मा जी खाना बने या नहीं।